जयंत जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डीआईजी साहब का भी दौरा हुआ था। हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा और हिसार की उपायुक्त महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी ने भी दौरा किया था। हिसार के हर जगह पर, चाहे वो बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो और भी सार्वजनिक स्थान थे जितने, सभी के सभी स्थानों पर दौरा करने के बाद ये पाया था, लोगों को अवेयर करा था, समझाया था। अब देखने वाली बात है कि हिसार के रेलवे स्टेशन पर हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा जी का दौरा लगा, क्या उसके बाद जो आदेश थे सख्तियां बरतवाई जा रही है? यहां पर ना तो कोई कर्मचारी ना ही कोई अधिकारी समय दिखता हुआ नज़र आ रहा, या लोगों से कोई जांच पड़ताल कर रहा हो कि आपने वैक्सीन लगवाई या फिर नहीं, क्या आप मास्क लगाकर घूम रहे हैं या फिर नहीं, वो तो समय ही बताएगा। पर सरेआम इस समय आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ठीक सामने समय देख लेकर चलता हूँ आप लोगों को हिसार के रेलवे स्टेशन पर, अंदर का माहौल दिखाऊंगा, घुमाऊं फिराऊंगा पूरे का पूरा। और ठीक सामने समय जितने भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक बार अधिकारियों की भी दिखाते हैं, ठीक सामने समय देख, ये पूछताछ केंद्र बना हुआ है ठीक आपकी सेवा के लिए, जितने भी खासतौर कर्मचारियों की बात करूँ, ठीक सामने एक बार दिखा दीजिए, ये पूछताछ सेंटर बना हुआ है, ये भी दिखा दे, ठीक सामने समय देख सकते हैं। आप हिसार के रेलवे स्टेशन पर आते हैं घूमने फिरने के लिए तो आप पूछताछ कर सकते हैं, सभी के सभी अधिकारी या कर्मचारी जो भी होगा सरकारी वो आपकी सेवा में तत्पर होगा। ठीक सामने समय देख रहे हैं, टिकट अगर बुकिंग करवानी हो आप लोगों ने तो ठीक सामने समय बुकिंग भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक सामने समय। सो जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, और भाई ये भी दिखा दीजिए, मास्क अंदर कहीं ना कहीं नहीं लगाया भाई साहब, ठीक सामने ये दिखा दे पहले अधिकारियों ने, ये कमी देख सकते हैं पहले, बिल्कुल ठीक सामने समय। सो फिलहाल आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आगे का मुआयना कराते हैं, बिल्कुल ठीक। साफ़ सफाई में अगर बात करूँ तो अव्वल नंबर में इस समय हिसार का रेलवे स्टेशन ठीक सामने आप लोग देख पा रहे हैं। और चेकिंग की बात करूँ, कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी इस समय नहीं दिख पा रहा हिसार के रेलवे स्टेशन पर। अगर आरपीएफ की बात करें, रेलवे पुलिस फोर्स की, तो कहीं ना कहीं उनको भी आदेश आए थे, उसके बावजूद में यहाँ पर कोई भी सिंगल एक पर्सन पुलिस का नहीं दिख रहा जो जांच पड़ताल करता और लोगों की चेकिंग करता। और ठीक यही हाल बिल्कुल बैक साइड सामने की तरफ भी जो गेट है वहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर तक देख सकते हैं। लोगों ने मास्क लगाया है, लोग ना करें जो कोरोना की दायित्व उसका, पर कुछ लोग सरेआम इस समय धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक सामने कहीं ना कहीं केसों की बात करता हूँ, केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद क्या प्रशासन जब चीख चीख कर गला बता रहा है कि कृपया अगर आप पालन करें पालन करें, उसके बावजूद भी हालात देख सकते हैं। इस समय ये वीडियो बयां करेगी हालात, ना कि हम बताएंगे, तस्वीरें बोलेगी इस समय की लाइव जो आप देख पा रहे हैं हिसार के रेलवे स्टेशन से ठीक सामने देख सकते हैं दूर दूर तक। भाई थोड़ा इस साइड दोबारा दिखा देते हैं एक बार, बिल्कुल ठीक सामने समय। सो पहले जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और साथ ही साथ आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। एक और आपको निरीक्षण भी करवाएंगे, ठीक सामने की तरफ चलते हैं, पहले अच्छी तरह से दिखा देते हैं क्या लोगों ने वहाँ पर मास्क लगाया या फिर नहीं, उसके बाद आपको जितने भी गेट बाई गेट हैं सबके दर्शन, सबके मुआयने, जितने आला अधिकारी या कर्मचारी बैठे हैं उनसे भी आपको रूबरू दिखाते जाएंगे समय। फिलहाल ठीक सामने देख सकते हैं लोग कैमरा देख कर मास्क को ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं ठीक सामने समय, उसके अन्यथा लोगों ने कहीं ना कहीं जो प्रशासन की हिदायतें हैं, गाइडलाइन है, उनकी सरेआम धज्जियाँ और अवहेलना करते हुए लोग आमजन ठीक सामने आप देख पा रहे हैं इस समय। और भाई थोड़ा इस साइड से आ जाएं, अब एक बार अंदर की तरफ से भी दिखा दें और एक मुआयना कर लेते हैं ऑफिस के बारों बार कि क्या अधिकारियों ने भी कुछ करा है ऐसे इंतजाम या फिर नहीं। ठीक सामने देख पा रहे हैं आप लोग, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ अगर ख़ास तौर पर बात करूं, हिसार की डीसी महोदय का भी दौरा लगा था और डीआईजी बलवान सिंह राणा का भी, क्या उसके बावजूद भी ठीक सामने देख पा रहे हैं आप, रालवे दिखाते जाएं एक बार अच्छी तरह एक बार ठीक सामने समय, क्या सर ये हम जो बात कही जा रही थी प्रशासन की ओर से चीख चीख कर हिसार की इस ज़िले की मालिक खासतौर पर बात करूँ, सभी के सभी आला अधिकारी किसी भी जगह चल जाएं आप सरकारी कार्यालयों में, सबसे ऊपर जिनका उद्देश्य डीसी महोदय का प्रियंका सोनी जी का, उनका भी दौरा हुआ था, उन्होंने भी लोगों को समझाया था, अवेयर करा था कि कृपया कर जब भी घर से बाहर निकले तो कृपया कर मास्क का प्रयोग करें। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सरेआम धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे। इस समय प्रशासन की जो गाइडलाइन थी, जो आदेश थे,
अब करे तो करे क्या, जनता डबल साइड फंस चुकी है। एक जनता तो ऐसी है, तस्वीरें बता रही है, जो खुद ब खुद ही धज्जियाँ उड़ा रही है, और दूसरी कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण जिनके पास मास्क है किसी कारण कई बार टूट जाता है, फट जाता है, वो दो ऐसी सामने बातें निकल कर आई है जो 50-50% इस समय हालात बयां करती हुई नजर आ रही है अपने आप में। 50% लोग तो सरेआम खुद ब खुद ही धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और 50% कहीं ना कहीं मजबूरी के साथ। अन्यथा अगर मैं बात करता हूँ उन 50-50 को भी छोड़ दें, उसके अलावा बात करता हूँ, लोगों ने मास्क लगाया है, अवेयरनेस है, जागरूक है। कोरोना की डोज का जो कहा था प्रशासन ने, सख्त आदेश दिए थे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कि सार्वजनिक जगहों पर जाना आपका बैन हो सकता है, कृपया कर आप मास्क का प्रयोग करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी आपकी एंट्री सार्वजनिक जगहों पर होगी। सो फिलहाल देखते हैं कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं अपनाई। सो यही कामना करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें, क्योंकि ऐसी जगहों पर अब आप नहीं आ सकते। सरकारी ऑफिसों के बाहर की आपको वीडियो दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा। सो फिलहाल लेट ना करें, देर ना करें, आसपास कोई भी कैंप कोवैक्सीन या कोविड शील्ड का लगा तो कृपया कर वैक्सीन को अपनाएं और इस महामारी को भगाएं, प्रशासन का सहयोग करें।